वेलकम बैक, क्या हाल है। फाइनली रियलमी ने इंडिया के अंदर रियलमी GT60 को लॉन्च कर दिया और मैं इस फोन को पिछले 10-15 दिनों से यूज कर रहा हूं। अच्छे से मैंने इस फोन की टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में आपको रियलमी GT60 के 50 प्लस हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर कस्टमाइजेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ये रियलमी का इकलौता फोन है जिसके अंदर आप लोगों को जो AI के फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ में अगर आप लोग यहाँ पर ऐप ड्रॉअर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर आप लोगों को रियलमी GT60 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ आपको आज किस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इन सब फीचर्स को यूज करने के बाद और देखने के बाद आप लोग यही बोलोगे, वाह क्या बब्बाल चीज है। बाकी अगर आप लोग रियलमी 60 ले रहे हो या लेने वाले हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना, ताकि आप लोगों को इस फोन के जो हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनके बारे में पहले पता लग जाए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर रुको, उससे पहले अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यहाँ पर कहीं नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करो। अब सबसे पहले फीचर की बात करें तो इस फोन के अंदर आप लोगों को वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस दोनों का सपोर्ट मिलता है। अब उसको एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपने फोन की सेटिंग के अंदर जाना है और ऊपर आप लोगों ने यहां पर सर्च करना है OTG। इतना सर्च करने के बाद OTG कनेक्शन को आपने सबसे पहले ऑन कर देना है। दैट्स इट। अब कुछ इस तरीके का आपको OTG कनेक्शन मिलेगा, इसको आपने अपने फोन के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है जैसा कि मैंने किया। अब आप लोग देखो, मैं यहां पर अपने पूरे फोन को अपने माउस की हेल्प से कंट्रोल कर रहा हूं। ये रहा माउस, इसको मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद आप लोग देखिए, यहां पर डिलीट करना हो या स्क्रॉल करना हो, सेटिंग को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, सब कुछ भाई मैं अपने माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कर रहा हूं। तो नो डाउट आप लोगों को रियलमी GT60 के अंदर वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस दोनों का सपोर्ट मिलता है, इजीली आप लोग यूज कर सकते हो। अब अगले फीचर्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन से। देखो, होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने से आपका पूरे फोन की जो लुक है वो चेंज हो जाती है और होम स्क्रीन को यहां पर कस्टमाइज करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप लोगों ने फोन को स्क्रीन को पिंच करना है, नीचे आप लोगों को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां से आप लोग वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और वॉलपेपर के अंदर आप लोगों को लाइव वॉलपेपर और साथ में जो ब्लूजम वॉलपेपर है उसका सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई कुछ वॉलपेपर आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे, सारे के सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। उससे अगला ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है वो रहा आइकन का। आप लोग अपने जो आइकन पैक्स हैं इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और यहां पर आप लोगों को अगर आप लोग जाओगे कस्टम सेक्शन के अंदर तो यहां पर आप लोगों को जो मटेरियल आइकन है इनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसको सिंपली ऑन करके आपने अप्लाई करना है, आइकन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। विजिट का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, यहां पर जो नॉर्मल विजिट है वो सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। और कुछ इस तरीके से अगर आपने जो 3D विजिट है वो अपने फोन के ऊपर लगाने हैं तो ये बहुत आसान है। स्क्रीन को पिंच करो, ऊपर प्लस का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दे, बहुत सारे विजिट आपको यहां पर मिल जाएंगे। जो आपको पसंद हो वो आप लोग विजिट लगा लो। जैसे कि मैं यहां पर अगर जो फोन मैनेजर है इसके अंदर जो क्लीनर का विजिट है इसको लगा के ऐड करता हूं तो ये विजिट यहां पर ऐड हो गया। यहीं से मैं आराम से अपने फोन को क्लीन कर सकता हूं। तो ये काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर आप लोगों को होम स्क्रीन की सेटिंग में मिलेंगे। इतना ही नहीं, स्क्रीन को पिंच करोगे तो यहां पर आप लोगों को लेआउट ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने का ऑप्शन तो मिलता है लेकिन साथ में मोर का सेक्शन मिलेगा। इससे आप लोग होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों को कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोगों को ऐप ड्रॉप्स नहीं है तो आप लोग स्टैंडर्ड मोड यहां पर लगा सकते हो जो बढ़िया काम करता है। और भी काफी सारे फीचर यहां पर देखने को मिल जाएंगे और अच्छी बात हो यहां पर आप लोगों को ग्लोबल सर्च और सेल्फ दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ग्लैंस फॉर रियलमी भी देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ऑफ कर दे जिससे आप लोगों को जो अनवांटेड नोटिफिकेशन है वो नहीं आएंगी। बाकी अगर आप लोगों ने यहां पर क्लॉक का स्टाइल चेंज करना है वो ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है और रेस टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन के सारे फीचर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगले फीचर्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूं जिनको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपका फोन का जो UI है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, अनवांटेड बूटवेयर देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सेटिंग रही, अगर आपके फोन के अंदर आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स मिल रहा है तो उनको अनइंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को ऐप मार्केट देखने को मिलती है, उसको इजिली आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर देना है और वो इजिली अनइंस्टॉल भी हो जाती है। दूसरी ऐप रही इंटरनेट या ब्राउजर, जो कि रियलमी के फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, उसको आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर देना है। इतना करने के बाद तीसरी सेटिंग आपको मिलेगी
सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर मिलेगा ग्लैंस फॉर रियलमी, ये ऑन होगा बाय डिफॉल्ट, इसको आपने ऑफ कर देना, दैट्स इट। अब कोई अनवांटेड नोटिफिकेशन, कोई बूटवेयर जो है वो आपको आपके फोन के अंदर नहीं मिलेगा। अब अगली सेटिंग जो है वो है बैटरी से रिलेटेड। अगर आपने अपने फोन की बैटरी को लंबे टाइम तक चलाना है तो ये सेटिंग जरूर से अप्लाई कर लेना। तो इसके लिए आपने जाना है फोन की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर बैटरी का सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरीके का सेक्शन होगा, यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ देखने को मिल जाएगा, नीचे आप लोगों को बैटरी यूजेज डिटेल मिलेंगी। ऐसी कोई ऐप जो आप लोग यूज नहीं करते लेकिन बैटरी को खा रही है तो उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर दो, जिससे आप लोगों के फोन की बैटरी यहाँ पर बच जाएगी। साथ में स्मार्ट चार्जिंग के जो फीचर्स हैं इन सबको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। एंड मोर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इन सबको यूज करने के बाद आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं होगी, लंबे टाइम तक आपके फोन की बैटरी चलेगी। अब देखो इस फोन के अंदर आप लोगों को जो नया रियलमी का नोटिफिकेशन पैनल है वो देखने को मिलता है, जो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है और रियली भाई प्रॉपर तरीके से काम भी करता है, काफी सारे फीचर्स भी यहाँ पर रियलमी ने ऐड किए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि भाई अगर आप लोग इसको एमआई के फोन से कंपेयर करोगे तो भाई बिल्कुल कॉपी लगता है, और इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं लगी, लेकिन भाई दोनों फोन सेम हो गए। अब मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ भाई जो नया फोन लेता है नोटिफिकेशन पैनल उसको अलग चाहिए, अगर मैं यही नोटिफिकेशन पैनल यूज करना चाहूँ तो मैं रियलमी का फोन क्यों ना ले लूँ। तो यहाँ पर रियलमी को कुछ हटके करना चाहिए था। तो इस फोन के अंदर यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो नए वाला नोटिफिकेशन पैनल है वो देखने को मिलता है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फीचर्स तो रियलमी ने ऐड नहीं किया, जो फीचर्स पहले थे वही देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ यूआई थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब अगले फीचर की बात करें तो वो फीचर आ क्या इस फोन के अंदर आप लोग ऐप्स को लॉक कर सकते हो, तो हाँ इस फोन के अंदर आप लोगों को ऐप लॉक का सपोर्ट मिलता है। अब ऐप्स को लॉक करने के लिए आपने जाना है फोन की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, सिक्योरिटी प्राइवेसी का सेक्शन ओपन कर लो, एंड यहाँ पर आप लोगों ने नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और फाइनली आप लोगों को यहाँ पर ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट सेव के जो सारे फीचर्स हैं इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करके आपके फोन का जो पासवर्ड है वो लगाओ एंड दैट्स इट। उसके बाद जो ऐप आपने लॉक करनी है उसको ऑन कर दो एंड यहाँ से ऐप लॉक को ऑन कर दो। अब आपके उस ऐप को कोई ओपन करेगा तो लॉक लगेगा, बिना लॉक के वो ऐप है वो यहाँ पर ओपन नहीं होगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पर जो हाइड ऐप्स का फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। आप लोग जो ऐप्स हैं उनको भी हाइड कर सकते हैं, प्राइवेट सेव के अंदर आप लोगों के जो फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट, फाइल्स हैं वो भी आप लोग प्राइवेट तरीके से रख सकते हो। तो भैया इस फोन में आप लोग ऐप्स को हाइड कर सकते हो, ऐप को लॉक कर सकते हो, फोटोज को लॉक कर सकते हो, वीडियोज को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, तो बहुत सारे फीचर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में इस फोन के अंदर आप लोगों को स्क्रीन लॉक, फेस लॉक सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे भाई सिक्योरिटी इस फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया है। अब अगले फीचर की बात करें तो देखो इस फोन के अंदर आप लोगों को एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर मैंने दो फोल्डर क्रिएट किए हैं, मैं किसी फोल्डर के ऊपर होल्ड एंड प्रेस करके रखता हूँ, एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो भाई यहाँ पर फोल्डर ऑन हो गया। अब मैं फोल्डर को बिना ओपन किए ही ऐप को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि लॉक को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर रोमिंग ऐप है इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिना फोल्डर को ओपन किए आपको जो एक्सेसिबिलिटी है और भी थोड़ी एनहांस हो गई है। इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे यूजर भाई अपनी बैटरी को तीन चार दिन चलाने के लिए उसको 60 हर्ट्ज पर सेट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कर सकते हो। फोन की सेटिंग के अंदर आओ, डिस्प्ले का सेक्शन ओपन करो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दो, यहाँ पर आप लोगों को हाई 120 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो जो आप लोगों को पसंद हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से आप लोग सेट करके यूज कर सकते हैं। अब देखो इस फोन में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन रियलमी ने इस फोन के अंदर जो AI के फीचर है वो भी ऐड किए हैं। सबसे पहला AI का फीचर आपको बताता हूँ, वो आपको मिलेगा गैलरी ऐप के अंदर। जैसे आप लोग किसी फोटो को ओपन करोगे और मैं यहाँ फोटो के ऊपर होल्ड एंड प्रेस करके रखता हूँ और आप लोग देखिए यहाँ मैं फोटो को सेव करता हूं, तो भाई सिंगल क्लिक से फोटो का जो बैकग्राउंड है भाई कितने अच्छे तरीके से इसने रिमूव कर दिया। तो PNG इमेज बनानी है, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, आसानी से आप लोग इस फोन में कर सकते हो। और भी AI के फीचर आपको इस फोन में मिलते हैं, आगे बताता हूं। इस फोन को आप लोग बिना टच किए चला सकते हो। अब ये AI जेस्चर का फीचर भी आपको इस फोन में मिलता है। एनेबल करने के लिए फोन की सेटिंग के अंदर जाओ, स्पेशल फीचर का सेक्शन मिलेगा, स्मार्ट सेंसिंग के ऊपर क्लिक करो, AR जेस्चर, इसको सिंपली आप लोगों ने ऑन कर देना है, दैट्स इट। अब जैसे मैं अपने फोन के सामने यहाँ पर अपना हैंड लगाता हूँ तो भाई ये अपना जो फोन है इसको मैं बिना हाथ लगाए अपने जो
फिंगर्स हैं इनसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इतने काम का नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। मुझे तो नहीं लगता है काम का फीचर, लेकिन AI का फीचर है रियलमी ने ऐड किया, तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अब आपको इस फोन का एक मस्त वाला फीचर बताता हूँ, वो रहा ये। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करके रखोगे तो आप लोग जो क्विक लॉन्च है भाई एप्स को कर सकते हो, जैसे कि स्नैपचैट को ऑन करना यहाँ से हो जाएगी, गूगल असिस्टेंट, नोट्स यहाँ से ही ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से भाई जो एप्स हैं उनको आप लोग क्विक लॉन्च कर सकते हो। अब एनेबल कैसे करना है इसके लिए भी बहुत ही आसान है, फोन की सेटिंग के अंदर जाओ, स्पेशल फीचर्स के अंदर थोड़ा नीचे यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा क्विक लॉन्च का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। ऑन करके जो ऐप आपने ऐड करनी है यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उन ऐप्स को फंक्शंस को आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड इस तरीके से ये फीचर काम करता है। अब देखो रियलमी ने इस वाले फोन के अंदर एक नए वाला फीचर ऐड कर दिया। फीचर आपको मिलेगा आपके जो रिसेंट सेक्शन है उसके अंदर। देखो मैंने यहाँ पर क्रोम ओपन किया है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग फ्लोटिंग विंडो इस पर क्लिक करो, यहाँ पर क्रोम की जो फ्लोटिंग विंडो है क्रिएट होगी। इसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर मूव कर सकते हो, डिलीट करना है, एक्सपेंड करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिलीट करने के लिए डबल टैप करो, ये डिलीट हो जाएगी। अब वो फीचर अगला देखने को मिलता है स्प्लिट स्क्रीन, आप लोग एक साथ जो दो एप्स हैं यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एक साइड में गेम्स ओपन या फोन मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, एक साइड में क्रोम चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग एक साथ दो ऐप जो है इस फोन में यूज कर सकते हैं। अब अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्रोम ओपन फिर से कर लिया, एंड चलते हैं रिसेंट सेक्शन के अंदर, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अगला फीचर मिलेगा हाइड कंटेंट का। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, एंड आपका जो भी कंटेंट था ऐप के अंदर वो देखने को नहीं मिलता। तो ये फीचर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले ये फीचर MI के फोन के अंदर आता था, लेकिन अब रियलमी ने भी ये फीचर देना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो इस फोन की हेल्प से आप लोग अपना हार्ट रेट भी चेक कर सकते हो। अब ये फीचर आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर सबसे लास्ट में रियलमी लैब के अंदर, हार्ट रेट मेजरमेंट का। इसके ऊपर क्लिक करो, एंड यहां पर आप लोगों ने अपना थंब प्रेस करके रखना है, थोड़ा टाइम वेट करना है जब तक ये सेकंड चल रहे हैं, एंड उसके बाद आपका कितना हार्ट रेट है वो आपको बता देगा। कभी कभी पहले बता देता है, लेकिन भाई प्रॉपर तरीके से तो पूरा नहीं बताता, एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आप लोग जो हार्ट रेट की मशीन है उससे चेक करोगे, उसका बिल्कुल एक्यूरेट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी 75 है और ये हिस्ट्री क्रिएट होती जाती है, इसको आप लोग बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो ये कमाल कमाल के फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको ऐप क्लोनर का फीचर भी मिलता है, यानी कि आप लोग एक ऐप की दो ऐप इस फोन में बना सकते हैं, और बनाना भी बहुत ही आसान है। फोन की सेटिंग के अंदर जाओ, ऐप्स का सेक्शन मिलेगा, और ये रहा ऐप क्लोनर, जो ऐप सपोर्ट करती होगी यहाँ पर ऐप क्लोन के लिए सारी की सारी आ जाएंगी। और मिनिमम भाई अब रियलमी सारी ऐप्स को यहाँ पर ऐड कर रहा है, एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, कोई अगर आपको इशू आता है तो यहाँ पर आप लोग उसको ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्क्रीन ऑफ जो जेस्चर है उनका सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। उनको यूज करोगे तो भाई ऐसा लगे कि आपके फोन के अंदर जादू हो रहा है। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करो, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाओ, जेस्चर एंड मोशन में आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दो, अपने हिसाब से सेट कर लो। अब अगर आपका फोन लॉक भी होगा, स्क्रीन के ऊपर O प्रेस करो, V प्रेस करो, जो कमांड आपने रखी होगी ऑटोमेटिकली भाई वो कमांड चल पड़ेगी। और यहां पर आप लोगों को टर्न ऑन टॉर्च वॉल्यूम बटन से आप लोग टर्न जो टॉर्च है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो काफी सारे फीचर यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आउटो स्विच टू रिसीव, फ्लिप करने पर फोन म्यूट हो जाएगा, रेस टू वेकअप, के ऐसे ऐसे फीचर रियलमी ने इस फोन के अंदर भर के दिए हैं भाई, किसी और फोन में नहीं मिलते। अब देखो भाई फीचर्स के बारे में तो भर भर के आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे बंदे देख रहे होंगे भाई कैमरा के अराउंड रिंग लाइट लगा के रखी है क्या ये गोल गोल सा। तो देखो ये है रिंग लाइट जो बैटरी को इंडिकेट करती है, और देखने में आपके सामने कितनी सुंदर लग रही है, आप लोग भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, ऐप का नाम है रिंग रिंग, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो, सेट करके एडजस्ट कर लो, अपने कलर्स वगैरह आप लोग सेट कर सकते हैं, और उसके बाद देखने में ये कुछ इस तरीके की लगती है। रियली मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वाला फीचर कैसा लगा। अब देखो इस वाले फोन के अंदर आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। इसके लिए फोन की सेटिंग के अंदर जाओ, वॉलपेपर स्टाइल में जाओ, और यहां पर आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑन कर दो। और इतने सारे स्टाइल्स मिलते हैं ना भाई, जिनको अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग थकोगे नहीं, और आप लोग यहां पर अपने स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फोन के अंदर आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यूज कर पाओगे। तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, ये थे इस फोन के हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अगर आप लोगों को किसी और फीचर्स के बारे में पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। नेक्स्ट वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर कोई नए ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।